हेलो एवरीवन, आई एम आशीष नोटियाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबकी प्रैक्टिस चल रही होगी हमेशा की तरह। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दुगुन कहरवा में कुछ फुलर में आपको बताने वाला हूँ, बीच में जो चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है, और लास्ट में ख़त्म करने के लिए एक दो तिहाई भी आपको बता दूंगा। तो आपने वीडियो पूरा देखना है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम सीधे दादरा शुरू करने वाले हैं कहरवा के, जो मतलब स्लो कहरवा, मीडियम और फास्ट कहरवा के कुछ प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इतने भी प्रैक्टिस करते हैं जितने मैं अभी तक बता चुका हूँ कहरवा के, तो आपको काफ़ी गानों के साथ बजाने के लिए आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और भी मैं आगे जब अभी तो मैंने कहरवा बताया आपको, ऐसे ही मैं दादरा भी बताऊँगा, रूपक, दीपचंदी, स्टेप बाय स्टेप जैसे सिखा रहा हूँ। इसमें फिर दोबारा से हम रिपीट करेंगे कुछ, अगर बीच में फिर मिक्स लेसन भी आगे अपलोड करेंगे। जैसे किसी दिन कहरवा का कोई पैटर्न अगर मुझे सुनाई दिया जो मैं आपको ना बताया हो, तो वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप सीखने का तरीका हो जाएगा आपका। एक ताल आपका जैसे हो गया, ये दूसरा फिर दादरा शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, तो आप कॉल करें, अपनी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो भी फीस है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ढोलक चाहिए, मतलब अगर आप नई ढोलक मंगवाना चाहते हैं अपने घर पर ही, तो आपको नॉर्मली बजट में आपको मिल जाएगी, जो कि आपके घर पर पहुंचा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, उसके लिए मैं आपको कुछ ढोलक के पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह भेज दूँगा, तो उसको देख के आप फिर सिलेक्ट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब दुगुन कहरवा बजाते हैं हम लोग, तो जैसे कि स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मुखड़ा वगैरह है, ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दुगुन वाला एक जैसे स्टार्ट करने के लिए मुखड़ा हो गया, या फिर बीच में थोड़ा फिलर त्रिकेट आप कैसे लगा सकते हैं, हैंड में तिहाई या बीच में थोड़ा लगी टाइप का किस तरीके से, ये सब इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है तो एक ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। तक तेट तग दिट, तक तेट तग दिट, इसका यूज आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद त्रिकेट कैसे लगानी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बोल देखते हैं, ता का, यहां से ता बजाया और यहां से का, तक तेट उल्टा तेट, उसके बाद है फिर ता ग, खुला बेस बजाया ग और फिर धी, ये दोनों एक साथ, यहाँ से ती और यहाँ से ग, धी, ठीक है। तक तिट तग धिट, तक तिट तग धिट, तक तिट तग धिट, तक तिट तग धिट, इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ेगी कैसे। इस तरीके से तक तिट, अच्छा अभी इसको दोबारा देखते हैं, तक तिट। ये जो टा हम बजा रहे हैं, टा के साथ भी आप का यूज कर सकते हैं अगर और ज्यादा भरा हुआ आपको चाहिए तो, कैसे तक तिट, इस टा के साथ भी का यूज कर रहे हैं। दोबारा से देखेंगे स्लो में, ता क ती त, उसके बाद ता ग धी त, इस तरीके से ही आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बचेगा कैसे वो मैंने दिखा दिया आपको, तक ती त ग धी त, तक ती त ग धी त, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद त्रिकेट जैसे आप लगा सकते हैं, धुन त्रिकेट धुन, ठीक है, धुन ऐसे बजा सकते हैं त्रिकेट, धुन ऐसे इस तरीके से खुला हुआ, यहां से थाप का यूज और यहां से बेस खुला हुआ है, धुन त्रिकेट तक तक त्रिकेट, धुन धुन त्रिकेट तक तक त्रिकेट, धुन त्रिकेट तक तक त्रिकेट, धुन, ठीक
इस तरीके से धन तेरे किट तक तक तेरे किट, सिंपल है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा धन पर थोड़ा सा पॉज लेना है, रुकना है, मतलब धन त्रिकट तक तक त्रिकट, ऐसे नहीं धन त्रिकट तक तक तेरे किट, धन धन एस त्रिकट तक तक त्रिकट, धन एस त्रिकट तक तक, इस तरीके से देखिए जैसे बजा रहे हैं, धातनग धा तो दिन तेरे किट तक तक तेरे किट। ये जो है जैसे कि आप बजा रहे हैं धा तनग घेना धा, इस तरीके से धा तनग धा त्रिकट तक तक त्रिकट, धा तनग घेना, तो लास्ट में जो घे है उसी घे की जगह पर ऐसे धिन लगेगा और फिर त्रिकट तक तक त्रिकट, तब जाके ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि धा तनग घेना धा तनग घेना धा तनग धा त्रिकट तक तक त्रिकट, कैसे धा तनग घेना धा तनग घेना धा तनग धा, इस तरीके धा तनग धिन त्रिकट तक तक त्रिकट, मतलब इसको जो ये त्रिकट बजाने का जो तरीका है धा, जैसे धा तनग धा एकदम ऐसे आएगा, धा तनग धा ऐसे, धा तनग धा त्रिकट तक तक त्रिकट, तब जाके समय आएगा, ठीक है। बोल है दोबारा, ठीक है, धिन त्रिकट तक तक त्रिकट, धिन ऐसे बजा सकते हैं, यहाँ से थाप, यहाँ से बेस खुला, धिन तेरे किट तक तक तेरे किट, धिन त्रिकट तक तक तेरे किट, धिन, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, दोबारा देखते हैं, धिन तेरे किट, उसके बाद ता अंदर बज रहा है तक, यहाँ से का तक तक, फिर एक तक बाहर, उसके बाद तक तक, और लास्ट में त्रिकट तेरे किट, दोबारा धिन तेरे किट तक तक तेरे किट, यही, ठीक है। बजा के दिखा देता हूं, तो ये दो चीजें हो गई, बीच में आप लग्गी के तौर पर थोड़ा सा मतलब भराव देने के लिए यूज कर सकते हैं, ये इसके बोल है ती घी, यहां से स्लिप करना है, ती घी इस तरीके, ती घीड़ ता घीड़, ती घी ड़ा जो है टा की तरह बजेगा, ड़ टा घी धा, ठीक है। बोल जैसे लिखे में ती घीड़ ता घीड़ धा, ती घीड़ ता कीड़ ता, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप बहुत ज्यादा फास्ट भी बजा सकते हैं, ती घी ता घी धा, फिर ती घी ता ती ता, ठीक है, ती घीड़ धा, ती घीड़ता कीड़ता, तिघिड़ता गिड़ता, तिघिड़ता गिड़ता, तिघिड़ता गिड़ता, तिघिड़ता गिड़ता, तिघिड़ता गिड़ता, तिघिड़ता गिड़ता, दोबारा देखते हैं, ती घी ता घी धा, फिर ती घी ता ती ता, ठीक है, लास्ट में बहुत आसान है, दोबारा एक बार देखिए, ती थपकी से बजाया, फिर यहाँ से स्लिप किया घी, फिर ऐसे बजाया अड़ा ती घेड़, फिर ता, फिर घी ऐसे बजाया एक उंगली से घे धा, ठीक है, उसके बाद ती घे फिर ता ती लास्ट में ता, बजेगा कैसे, ती घेड़ ता घेड़ धा, ती घेड़ ता घेड़ था, तिगड़ तिगड़ दा, तिगड़ तिगड़ दा, तिगड़ तिगड़ दा,
ठीक है, ये है। इसके बाद तिहाई आप बजा सकते हैं, तिहाई जैसे लास्ट में इस चीज से बाहर आने के लिए। तित धा 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 तिर किट धा 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 तिर किट धा धा धा, ठीक है। तित धा 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 तीन बार, तित के बाद धा धा, ठीक है। धा जंप पे आप बजा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तित धा 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 तेरे किट धा 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 तेरे किट धा धा धा, लास्ट में समा जाएगा ये वाला। अच्छा, इसको हमने कैसे बजाया? तित धा 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 तिर किट धा 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 तिर किट धा 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 तित धा 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 तिर किट धा 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 तिर किट धा धा, ठीक है। इस तरीके से तित धा धा धा, शुरू में तो तित धा 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 है, उसके बाद तिरकिट धा 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 तिरकिट धा धा, लास्ट वाला धा फिर सम है, ठीक है। ती धा 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 तिरकिट धा 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 फिर तिरकिट धा धा धा, ये लास्ट में जो धा आता है वो हमेशा सम होता है तिहाई का, ठीक है। ति धा 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 तिरकिट धा 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 तिरकिट धा धा, धा 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 तेरे किट धा 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 तेरे किट धा धा, ये तिहाई हो गई, ठीक है। ती धा 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 तेरे किट धा 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 तेरे किट धा धा धा, इस तरीके से आप ये बजा सकते हैं, ठीक है। तो और लास्ट में एक सिंपल तिहाई जो कि दुगुन खत्म करने के लिए आप लगा सकते हैं, अगर ये तिहाई आपकी समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल अगर लगाना चाहते हैं तो, जैसे कि ये वाली तिहाई बहुत ज्यादा लगाई जाती है, इसके बोले धिन टकेट धिन टकेट धिन टकेट धा, खत्म करने के लिए, है ना। धिन जो हमने ऐसे बजाया यहां से, क्योंकि मेन बोल जो यहां से बजाया तो यहां केवल हाथ रखा हुआ है, तो पूरा हाथ रख सकते हैं धिन, उसके बाद टकेट टकेट, फिर दूसरा वाला धिन ऐसे बजाएंगे धिन धिन टकेट फिर धिन टकेट, लास्ट में जो धा आएगा वहां पर सम आएगा और वहां पर रुक जाना है, ठीक है। दोबारा धिन टकेट धिन टकेट धिन टकेट धा, ठीक है। धिन टकेट धिन टकेट धिन टकेट, इसका बजाने का तरीका है, शुरू वाला जो धिन है, शुरू वाला फर्स्ट वाला बोल है, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा सा रुकना है वहां पर, और उसके बाद रुकना नहीं है, कंटिन्यू बजाना। कैसे? धिन टकेट धिन टकेट धिन टकेट, ऐसे ये तिहाई बजाई जाएगी धिन टकेट ऐसे, ठीक है। धिन टकेट धिन टकेट धिन टकेट धा, तो ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, तो इस तरीके से स्लो में प्रैक्टिस करेंगे। एक एक पैटर्न के पहले बोल लिख लें, फिर वो पैटर्न बज कैसे रहा है ये भी लिख लें। समझ में नहीं आ रहा तो दो तीन बार देख सकते हैं, मैंने बार बार इसको बताया हुआ है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा फिर, ठीक है, अगर आप अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो। इसके बाद हम दादर के लेसन शुरू करने वाले हैं, तबले पर भी मैंने अब कहरवा स्टार्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं क्लासिकल के कुछ कायदे पलटे बता चुका हूँ, तो वहाँ पर कहरवा के बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे स्लो कहरवा से वहाँ पर भी तबले पर स्टार्ट होने वाला है। तो बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, उससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये यूट्यूब पर सीखना बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन क्लासेस की फीस होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।